नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ स्टूडेंट फरमाइश पे। और आज जो हम देखने वाले हैं वो एक पज़ल होगा, क्योंकि आजकल के जो पज़ल होते हैं 3 लाइनर या 4 लाइनर के होते हैं। जो पिछले 3-4 सालों में हमें पज़ल एक पैराग्राफ में मिल जाता था, हम खुशी होते थे, क्योंकि जितने बड़े पैराग्राफ होंगे या जितने बड़े सेंटेंसेस होंगे तो हमको डाटा या इन्फॉर्मेशन भी सॉल्व करने के लिए पज़ल को उतने ही मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि 3 लाइन या 4 लाइन के अगर पज़ल होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वैसे पज़ल को सॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, तो चांसेस हो या आप बता सकते हो केसेस हो जैसे कि हम सॉल्व करते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं ये कुछ टिपिकल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नया पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और शायद ही मतलब SBI क्लर्क में आ भी सकता है, क्योंकि ये 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ ही जाते हैं पजल पे। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं इस सवाल को और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सवाल ये दिया गया है कि देर आर एट पर्सन्स एक्चुअली, यू कैन सी इट हियर, देर आर 8 पर्सन्स, PQRSTUVW, और सभी के सभी दे आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, यानी सबको यहाँ पे कैसे देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने दो केसेस लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है आपको सबको पता चल जाएगा। Q इज टू द लेफ्ट ऑफ W, तो अगर मैं इसको इन्फॉर्मेशन को सजा के लिखूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे Q इज टू द लेफ्ट ऑफ W, यानी W जो होगा वो भी नॉर्थ को देखेगा, क्योंकि हर कोई यहाँ पे जो बंदे बैठे हुए हैं, एवरी वन दे आर लुकिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो Q जो है वो W के लेफ्ट में है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरफ होगा। ठीक है, हमें पता नहीं कि यहाँ पे कितने होंगे, हमें नहीं पता, तो ये पहला इन्फॉर्मेशन बन गया। भी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ W, यानी यहाँ पे अगर मैं बता सकूँ, सेकेंड टू द राइट ऑफ W, यानी अगर W यहाँ है तो सेकेंड टू द राइट ऑफ W, तो ये बनेगा। यस फ्रेंड्स, तो अगर मैं इसको इरेज कर दूँ तो आपको पता चलेगा यस, तो ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो Q होगा वो W के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और ये जो V होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक छोड़ के ही बैठेगा W से, क्योंकि V सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ W, है ना, ये W है तो इसका सेकंड राइट कौन होगा, ये एक, ये दूसरा राइट। अब देखते हैं ये जो सेंटेंस है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे लिखा गया मोर देन 3 पर्सन्स सिट बिटवीन Q एंड V, यानी Q और V के बीच, Q और V के बीच 3 से ज्यादा आदमी ही बैठेंगे। अब मुझे ये बताओ कि Q इस तरफ बैठेगा या इस तरफ बैठेगा, Q ऑब्वियसली इस तरफ बैठेगा क्योंकि Q W के लेफ्ट में है और W जो है W के सेकंड राइट में भी है, तो डेफिनेटली Q क्या होगा, इस तरफ ही आएगा, है ना। तो अरेंजमेंट कुछ ऐसे ही होने वाले हैं, लेकिन याद रखना दोस्तों, Q और V के बीच 3 से ज्यादा आदमी लोग बैठेंगे। S सिट्स फोर्थ टू दी लेफ्ट ऑफ R, S जो होता है सी S विल सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ R, यानी R ऐसा है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ R, 1 2 3 4, ये अरेंजमेंट ऐसा बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलो फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को देखते हैं। यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, तो इसको इरेज कर लें तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे लिखा गया यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, S भी तो नॉर्थ को देखने वाला है, यू कहां पे होगा, यहां पे होगा फ्रेंड्स। डिड यू गेट माई पॉइंट। अब देखो, ओनली वन पर्सन सीट इन बिटवीन T एंड U, T और U के बीच, यहां पे भी T बैठ सकता है या एक छोड़ के यहां पे बैठ सकता है। तो याद रखना फ्रेंड्स कि पॉसिबिलिटीज दो हो सकते हैं, ठीक है, T और U के बीच कितने आएंगे, एक इंसान ही आएगा, T यहां पे भी हो सकता है, U यहां से भी, कुछ भी हो सकता है, यानी ऐसा बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं, T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, दैट मीन्स T और P पास पास नहीं बैठेंगे, T और P पास पास नहीं बैठेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहां पे देखोगे तो हमारे पास कोई भी कंफर्म वाले कंडीशन नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जितने भी यहाँ पे कंडीशंस मैंने लिखा हुआ है, नथिंग एल्स इज कन्फर्म्ड, सिर्फ एक छोड़ के यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जब ऐसे पजल होंगे तो आप ढूंढना कि हम कौन से सेंटेंस से हम स्टार्ट कर सकते हैं, शायद ये सेंटेंस बन सकता है। क्यों बताइए, क्योंकि आर के फिफ्थ में, सॉरी आर के फोर में था, आर एस सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ आर, 1 2 3 4,
ठीक है, तो ये वाले सेंटेंस हम इसलिए स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसको मैं दो पॉसिबिलिटीज इस तरह बना सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, दो पॉसिबिलिटीज इस तरह बना सकता हूँ, ये याद रखना, मैं बता देता हूँ, इसको और एक बार लिख देता हूँ। टी और यू के बीच एक इंसान होंगे, दैट मीन्स यू टी डैश यू हो सकता है या यू डैश टी ऐसे भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कैसे करें? देखो, ये टी यहाँ पे बन सकता है, बात समझ में आ रही है? या तो फिर ये अरेंजमेंट को अगर मैं दोबारा बना सकूं, यू ऐसा था, एस ऐसा था, ये वाला बना रहा हूं, यहां पे हम तीन छोड़ के यहां पे आर ऐसा बना रहे थे। टी यहां पे एक कंडीशन बन सकता है या एक छोड़ के यहां पे टी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि टी और यू के बीच कितने होना चाहिए? एक ही पर्सन होना चाहिए। तो ये जो टी और यू के बीच, ये हमारे दो कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। टी और यू के बीच एक पर्सन है, टी और यू के बीच एक पर्सन है। लेकिन जब भी आप ऐसे अप्रोच से जाते हो तो आप ये मतलब काउंट करोगे कि टोटल 8 पर्सन ही होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 6 है तो आगे 7 8 ऐसे हो सकता है या फिर यहाँ पे 7 8 ऐसे हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम जिस वाले पे श्योर हैं वैसे ही हम आगे अप्रोच करेंगे, ये हम श्योर नहीं है तो आप इसको यहाँ पे हॉल्ट पे हम रखेंगे इसको फ्रेंड्स। अब यहाँ पे टी और यू के बीच जो एक इंसान होंगे, हमने तो दोनों पे बिठा दिया, अब इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि ये काम का अब नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज और एक मतलब मिल जाती है कि ये वाले कंडीशन डब्ल्यू के सेकेंड राइट में भी होना चाहिए। यहाँ पे तो डब्ल्यू बिठा नहीं सकते, यहाँ पे अगर डब्ल्यू बिठा देते हैं तो सेकेंड राइट भी यहाँ पे हो ही नहीं सकता, तो डब्ल्यू यहाँ पे बिठाएंगे तो शायद हो सकता है, डब्ल्यू एक छोड़ के वी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला कंडीशन भी हमारा खत्म हो चुका है, तो ये डब्ल्यू इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हमारे पास इंसान और कौन कौन है, टी यू एस डब्ल्यू, टी खत्म हो गया, यू खत्म हो गया, एस खत्म हो गया, डब्ल्यू खत्म हो गया, फिर वी आर, वी और आर भी खत्म हो गए, तो पी और क्यू बचे हैं। तो आप खुद सोचो कि क्यू और ये जो कंडीशन है, क्यू और भी के बीच तीन से ज्यादा इंसान बैठना चाहिए, यहाँ पे तो बिठा नहीं सकते तो यहाँ पे ही बिठाना पड़ेगा, 1 2 3 4, चार इंसान यानी तीन से बड़े ही हैं, तो ये वाला कंडीशन भी खत्म हो चुका, यानी ये भी कंडीशन हमने यूज कर लिया। अब ये जो कंडीशन है कि टी और पी एक साथ बैठ नहीं सकते, तो यहाँ पे कहीं पे बैठे ही नहीं है, तो यहाँ पे आप पी रख लेना, एंड दिस विल कंक्लूड योर पजल। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक चीज आप यहाँ पे गौर करना कि मैंने कैसे अप्रोच किया। यहाँ पे देखो 6 इंसान थे तो यहाँ पे 7 8 ऐसा हो सकता था, यहाँ पे 6 इंसान थे तो यहाँ पे भी 7 8 हो सकता है। जहां पे पॉसिबिलिटीज बनते जाएंगे तो आप इसको इग्नोर कर लेना, और जहां पे होते जाएंगे आप उसको कंटिन्यू करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बन जाता है, हम इसको अरेंज कर लें तो टी क्यू यू एस डब्ल्यू पी वी आर, इसके हिसाब से आप इसका अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स टू वॉच दिस वीडियो, एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।